नमस्कार, मैं हूं मुस्तकीम अंसारी और आप इस समय देख रहे हैं बिहारी की रिपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। पंजाब से कांग्रेस मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर रविवार को दिया। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इस्तीफे 10 जून को ही दे दिया था, लेकिन इसका खुलासा आज किया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर हर तरह उनकी चर्चाएं चल रही हैं। कुछ दोस्तों को लग रहा है कि सिद्धू अब कपिल शर्मा के शो में वापसी कर सकते हैं। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कपिल शर्मा भी ट्रेंड करने लगे हैं। सिद्धू के फैंस चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द कपिल शर्मा के शो में वापसी कर लें। खैर, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सिद्धू के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ट्वीट किया। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कैबिनेट और मंत्री पद के इस्तीफे से हैरान हूँ। वह प्रभावशाली और एक लोकप्रिय नेता है। इससे बढ़कर वह एक शानदार इंसान है और एक प्रिय मित्र भी हैं। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हम उनके फैसले पर स्वागत नहीं कर सकते। हम आशा करते हैं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम को हल करने की दिशा में जल्द ही उपाय किए जाएंगे। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना मंत्रालय बदलने जाने के एक महीने से नाराज चल रहे थे। जून में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के शहरी साथ पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग वापस ले लिया था और उन्हें ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा था। सिद्धू ने विभाग वापस लेते हुए उनके लिए उनके खबर प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया गया था। सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय में बयान जारी किया। कार्यालय ने पुष्टि की है कि उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू का त्याग पत्र नहीं मिला है। त्याग पत्र में कहा गया है कि यह तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा गया था। तो ये थी हमारी रिपोर्ट।